और बड़ी खबर आ रही है कालिंदी एक्सप्रेस केस में एटीएस की जांच तेज। एटीएस ने जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की है। लखनऊ जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की गई। कालिंदी एक्सप्रेस केस में कई आतंकियों से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी साजिश है जिसको लेकर लगातार टीम्स जांच कर रही है। इस बीच जेल में बंद के आतंकियों से एटीएस की पूछताछ की जानकारी, कालिंदी एक्सप्रेस से साजिश को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। कालिंदी एक्सप्रेस के सामने गैस सिलेंडर, पेट्रोल और बारूद जैसे विस्फोटक रखने की बात सामने आई थी और इसमें गाड़ी भले ही उससे सिलेंडर से टकराई थी लेकिन बड़ा हादसा होने से रह गया। और अब इस मामले की जांच तमाम केंद्रीय एजेंसियां कर रही है और एटीएस ने इस मामले में जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की है, उनसे सुराग तलाशने की कोशिश की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुल मिलाकर 300 लोगों की टीम जांच में लगी हुई है। कालिंदी केस में एटीएस की जांच काफी तेज होती हुई, ये बड़ी जानकारी। इस वक्त की आतंकियों से पूछताछ, एटीएस की टीम ने जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की है और 54 पुलिस अधिकारियों ने अब तक घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इस मामले में एक शख्स को पकड़ा गया है, कई लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की गई है। जमातियों का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है क्योंकि जिस जगह पर यह सिलेंडर रखा गया था उसके आसपास में जमातियों का कनेक्शन भी होने की बात सामने आई थी और इस मामले में तमाम तरह की पड़ताल की जा रही है। और इसी सिलसिले में एटीएस की टीम ने जेल में बंद जो आतंकी है उनसे पूछताछ की है, पता लगाने की कोशिश की है कि क्या उनके पास कोई सुराग है इससे जुड़ा हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई है। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पूछताछ के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कालिंदी एक्सप्रेस मामले को लेकर लगातार अब जांच एजेंसियां अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में करीब 300 टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। लखनऊ की फॉरेंसिक टीम, इसके साथ साथ एटीएस, आईबी, एनआईए सभी टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इसी कड़ी में लखनऊ जेल में बंद जो आतंकी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। प्रशासन मॉड्यूल्स के भी आतंकी इसमें बताए जा रहे हैं जिनसे पूछताछ की गई है, क्योंकि इस पूरे मामले का जो पीछे जो पूरा मोड ऑफ ऑपरेशन मालूम चला है कि क्या इसके पीछे क्या कुछ वजह थी, तो उसमें टेरर एंगल साफ तौर पर निकल के आ रहा है, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। लखनऊ जेल में आतंकी जो बंद हैं उनसे पूछताछ की है, इसके साथ साथ जमातियों के कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है और टेरर एंगल से इस पूरे मामले की जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा है। चूँकि इस पूरे मामले के पीछे क्या कुछ मकसद था, इसके साथ साथ कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते जी, सब चीजों को लेकर विशाल अपडेट आएंगे इस खबर पर, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आज की जो कि कर्नाटक से, उस खबर का रुख करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रहा है कि एटीएस जो है जेल में बैठे आतंकियों से पूछताछ कर रही है।